जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस महाकवरेज को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और ऐसे में ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या कहती है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। चुनावी वादों का समय हो चुका है और उसके बाद जो चुनाव प्रचार में हमने देखा जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंकी, तो आज इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता का दिन है, जनता ही जनार्दन है और आज वो जो फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर को इनकी किस्मत का फैसला करेगा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण के मुख्य जो उम्मीदवार हैं उसमें सबसे पहला नाम भूपेंद्र पटेल जो भाजपा से हैं और गुजरात के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद भाजपा का दामन थामा और पटेल आंदोलन से उपजे नेता हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ये वीरमगांव सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी जो कि बडगाम सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस से इन्होंने पर्चा दाखिल किया। गुजरात के फायर ब्रांड दलित नेता हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राजुल देसाई भाजपा से राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं और पाटन सीट से चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो ये तमाम मुख्य उम्मीदवार हैं जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश पटेल की बात करें तो भाजपा से हैं, गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री हैं और विसनगर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर निकोल सीट की बात करें तो जगदीश विश्वकर्मा भाजपा से, गुजरात के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता नमक उद्योग पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। वहीं अगर हम बात करें मोरवा हड़फ की तो निमिषा सुथार भाजपा से कैंडिडेट, गुजरात की राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा आदिवासी कल्याण, यानी कि जो मंत्रीगण उस पर दोबारा दांव खेला है भाजपा ने। कीर्ति सिंह वाघेला बड़ा नाम, भाजपा के शिक्षा राज्य मंत्री हैं, कांकरेज विधानसभा सीट से इन पर दांव खेला है भाजपा ने। ये दूसरे चरण के वो मुख्य उम्मीदवार जिन पर सबकी नजरें हैं। गजेंद्र परमार भाजपा से राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, यानी वो मंत्री जिन पर दांव खेला गया ताकि वो जो समस्याएं हैं जनता की उससे भली भांति पहले से ही परिचित है, एक मास्टर स्ट्रोक भाजपा का। विधानसभा सीट है वडोदरा शहर, मनीषा वकील जिसका हम जिक्र कर रहे थे, भाजपा से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बाल विकास सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, वडोदरा शहर शहरी इलाका। संतरामपुर से कुबेर ढिंडोर भाजपा से कैंडिडेट, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं उसके साथ, तो संसद में किस तरह से कामकाज होता है भली भांति समझते हैं। वहीं महेंद्र सिंह वाघेला वाघेला समाज का प्रमुख चेहरा, कांग्रेस इन पर दांव खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के पुत्र और विधानसभा सीट है बायड, यहां से कांग्रेस ने अपना चुनावी उम्मीदवार इन्हें बनाया है। अल्पेश ठाकुर भाजपा से उम्मीदवार गांधीनगर दक्षिण, गुजरात के ओबीसी नेता और लगातार कई चुनावी जनसभाओं में कह चुके हैं कि अगर जीते हैं तो जनता के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। जब कांग्रेस में थे तो कहा गया कि कांग्रेस कभी भी जनता के लिए वहां मौजूद नहीं। भूपेंद्र पटेल वर्तमान सीएम भाजपा से, जो विधानसभा सीट है वो घाट लोडिया है और बड़ा दांव खेला है इस पर भी भाजपा ने। हार्दिक पटेल भाजपा के लिए एक और चेहरा, खासतौर पर पटेल आंदोलन से उपजे गुजरात की अगर हम पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो तब वो कांग्रेस में थे, अब इस वक्त मौजूद हैं भाजपा में। तो ये तमाम जो नाम है अल्पेश ठाकुर, साथ ही साथ जगनेश मेवाणी और हमने बात की अभी हार्दिक पटेल, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। अब ये सुर्खियां वोटों में तब्दील होती हैं या नहीं इसका अंदाजा जो है वो 8 दिसंबर को पता लगेगा। क्योंकि हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तमाम पार्टियों के प्रचार की, तमाम पार्टियों ने जिस तरह से तमाम चुनावी वादे किए, किसी पार्टी ने कहा कि भाई हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लेकर आएंगे ताकि ये जो गुजरात का विकास मॉडल है वो और आगे बढ़े, किसी ने कहा मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि किस तरह से अब जो ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हुई है इन चुनावों में, वहीं ओबीसी सीएम का दांव खेल दिया कांग्रेस ने, कितना ये जो तमाम फैक्टर्स हैं वो असर डालेंगे वोटिंग परसेंटेज पे, क्योंकि वही है कि भाई जनाधार कैसे बढ़े। बिल्कुल,
बिल्कुल आंचल, देखिए गुजरात की अगर हम बात करें तो बहुत ही जागरूक है यहाँ की जो जनता है, बहुत ही जागरूक है। और 27 साल तक किसी को सत्ता पे रखना जनता, जबकि यहाँ पर पिछले अगर उसके पहले के दशकों की बात करें तो कांग्रेस ही 27 साल तक किसी कारण से, अगर किस कारण से रख रही है जनता, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। 27 सालों में शायद यहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके लिए, उनके विकास को लेकर के सिर्फ बातें नहीं की गई बल्कि काम करके दिखाया गया। मुफ्त बिजली पानी की जहाँ तक बात करें, गुजरात की बात करें, गुजरात के लोग जो है काफ़ी जो है जागरूक है, बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है सर्विस कम्युनिटी है, उनके लिए ये मानना है कि अगर वो किसी चीज़ को अवेल कर रहे हैं तो उसके लिए वो पे करने के लिए यहाँ पर रेडी है, ना कि उन्हें मुफ्त बिजली या पानी की वो बात कर रहे हैं। जहाँ तक कर्ज माफ़ी, कई जो पार्टी है उन्होंने कर्ज माफ़ी की भी बात की, और तो उनका ये भी कहना है, किसानों की अगर हम बात करें गुजरात की, तो उनका ये कहना होता है कि कई जगहों पे, कई राज्यों में हमने देखा कि कर्ज माफी के जो है वायदे किए गए, लेकिन सरकार में आने के बाद वो कर्ज माफी जो है वो कागजों पर भी नहीं आ पाया, जमीन पर पहुंचने, खेतों तक पहुंचने तो बहुत दूर की बात है, वो कागजों पे भी नहीं नजर आए। तो यहाँ की जो जनता है बहुत ही जागरूक है, और उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ वोट करना है, किस तरीके से वोट करना है, उनके लिए कौन काम कर रहा है। तमाम जो वायदे हैं, तमाम जो पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, यहाँ की जनता बारीकी से उन पर नजर रखती है और उनका अध्ययन भी करती है, कि स्टडी करती है कि पिछले बार में इन लोगों के वायदे कहाँ तक पूरे हुए और किसने वायदे पूरे किए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे इस चुनाव को त्रिकोणीय करने का कोशिश किया गया हो या फिर परंपरागत तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट की बात रही हो, यहां पर जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि गुजरात के अंदर जो कभी पानी के संकट से जूझता था, वहां पे नर्मदा का पानी जो है पूरे सौराष्ट्र से लेकर के मध्य गुजरात से लेकर के जो ग्रामीण इलाके, बनासकांठा जैसे जो बैरन लैंड है वहां पर, या डेयरी उद्योग की बात करें जो ग्रामीण इलाकों में, उन तक किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरों के अंदर किस तरीके से परिवर्तन आया गया है। जो सिटी है आप गुजरात के अंदर देख सकते हैं, यहाँ का गांधीनगर, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इस गांधीनगर में पहला गांधीनगर का एक रेलवे स्टेशन ऐसा बनाया गया जिसके ऊपर की 5 सितारा होटल है, और यहीं से जो आप गुजरात वाइब्रेंट समिट देखते हैं, वहां पर जो तमाम विश्व के बड़े जो कंपनी के सीईओज आते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ये यहाँ पे शुरुआत की गई। तो न सिर्फ गुजरात के अंदर बल्कि विदेशों से भी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, गुजरात का डेवलपमेंट हो, इसको यहाँ पर काफी एक जगह दी गई, इसको काफी डेवलप किया गया, निवेश बढ़ाए गए ताकि गुजरात के लोगों का फायदा हो। तो मुद्दे जो भी लेके आए पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो मुफ्त बिजली पानी की बात हो या फिर कर्ज माफी की बात हो, यहाँ के लोग बहुत जागरूक है, उन्हें पता है कि उनके लिए विकास किस रूप में उन्हें चाहिए। और यही जो है इस मतदान का भी जो है, इस मतदाताओं से जब हम बात करते हैं तो उनका भी यही रुख होता है कि हम जो मतदान करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, ना कि लोगों के जो, लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके आधार पर। आंचल, ऐसे में अभिषेक, जब हम यहाँ पर दावेदारी की बात करते हैं तो जो प्रबल दावेदार हैं और जो हॉट सीट है उसमें अल्पेश ठाकुर का भी नाम सामने आता है। अल्पेश ठाकुर की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत नजर आ रही है? जनता के बीच आप गए, आपने वहाँ पर सर्वे भी किया और उसके बाद लोगों से भी बात की, उनका मन टटोलने की भी कोशिश की, क्या निकल कर सामने आया? देखिए अल्पेश ठाकुर की बात करें, हार्दिक पटेल की बात करें, काफ़ी युवा नेता हैं ये, और इन्होंने अपने बयानबाजी से, जैसा आपने बताया, काफ़ी जल्दी सुर्खियां भी बटोरी। और जब ये कांग्रेस में थे तब भी इनके पीछे जो इनके फॉलोअर्स थे, और अब भाजपा में आने के बाद जो भाजपा का परंपरागत वोट है वो भी इनके साथ है। साथ साथ एक जो आइडियोलॉजी, जो पहले इनकी आइडियोलॉजी होती थी कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके से, और जैसे इनकी अपनी समझ थी, उसके बाद समझ से ये बीजेपी की तरफ मुड़े और बीजेपी की ओर आए, तो कहीं ना जो जनता इनके साथ, जो बीजेपी के जो वोटर्स थे वो तो इनके साथ ही, साथ साथ जो इनके अपने, जो इनके अपने प्रभाव के लोग थे, उनका भी एक काफी बड़ा झुकाव इन लोगों की ओर आप देख सकते हैं, चाहे अल्पेश ठाकुर की बात करें या हार्दिक पटेल की बात करें। और निश्चित तौर पे इसका जो, जब हम जमीनी ग्राउंड पे जाते हैं तो वो चीज जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अल्पेश ठाकुर का भी कहना होता है कि हम जो है पहले शायद भ्रम में थे या ये हमारी गलती थी, लेकिन हमने उसमें सुधार किया और जो है हमने भाजपा में आए, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं विकास के मॉडल को करके आगे चलती है, ना सिर्फ बोलती नहीं है बल्कि वो करके दिखाती है। और जो परंपरागत तौर पे जो इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इतनी पुरानी पार्टी है, उसको लेकर के उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो है उस तरीके का अब कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अल्पेश ठाकुर हो या फिर तमाम जो बड़े नेता है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, अन्य पार्टी से बीजेपी में आए, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आपस में ही, आपस में इतनी खींचतान है, उसको लेकर के पार्टी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जिस तरीके से फाइट होना चाहिए 40 स्टार प्रचार दिया है कांग्रेस की ओर से, 40
बिल्कुल, अब खींचतान बहुत है, अंदर दो खाने हैं, अंदर दो फाड़ है, लेकिन बयानबाजी वो भी आज जो सत्ता पर काबिज भाजपा है उसको लेकर बाज नहीं आती। हमने कई अमर्यादित बोल देखे इस बार चुनावी प्रचार में। आप दोनों के बाद वापस आऊंगी, बने रहिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि जैसे कि हम बता रहे हैं कि गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव का मतदान जारी है, ऐसे में मतदाताओं ने किन मुद्दों को आधार बनाकर जो है वो मतदान किया है। लगातार बात किया कि मुद्दों को आधार बनाकर ही मतदान करना चाहिए, क्या कह रही है अहमदाबाद की जनता, जान लेते हैं उन्हीं की जुबानी। हम देश के विकास और सुरक्षा के लिए वोट देने आए हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे, और हमें जिन पे विश्वास है हमने उन्हें वोट दिया है। हम चाहते हैं कि मतलब सब जो विकसित देश है वहाँ तक हमारा देश बस पहुँचने वाला ही है, तो पहुँच ही जाए, इसलिए हमने वोट दिया है। मेरा मानना है जी, ये लोकशाही का महापर्व है, तो एक तो अपना अधिकार जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है पूरी दुनिया में और हमको मिल रहा है, तो एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। सबसे ज्यादा तो सेफ्टी महिलाओं की है, जो कहीं और आई डोंट थिंक इतना इजीली हो सकती है। रात को 2 बजे लड़की अगर स्कूटर पे अकेली आ सकती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये जो माहौल जो है अभी चुनाव का, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई सबको वोट करना चाहिए, दिस इज द राइट्स, और ये अभी जो गवर्नमेंट जो कर रही है, सरकार जो कर रही है, दिस इज द बेस्ट थिंग, एकदम अच्छा काम कर रही है सरकार। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो ये जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद से मौजूद हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, आप भी जब से चुनाव की डेट्स अनाउंस हुई आप भी लगातार गुजरात में ही हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे यहाँ पर है, ये चीज़ हमने लगातार सुनी कई महिला मतदाताओं से कि किस तरह से बेखौफ और बेधड़क होकर जो महिलाएँ हैं वो हमने देखा गुजरात की सड़कों पर घूमती, और इसी एक बड़े मुद्दे को यानी महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर तमाम पार्टियों ने वोट साधने की कोशिश की। खासतौर पर अगर हम प्रधानमंत्री का जिक्र करें तो 10 दिन 25 जिले 34 रैलियां 4 रोड शो काफ़ी अहम। किस तरह से आप मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, चाहे हम बात करें मध्य और उत्तर गुजरात की, ये फैक्टर कितना ज़्यादा अहम? देखिए आंचल, बिल्कुल आपने सही कहा, और हमने ये जायजा लेने की कोशिश भी की थी कि वाकई में ये दावों पर कितनी सच्चाई है, और हमने रात को भी भ्रमण करने की कोशिश की कि देखें कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देखने को मिला कि काफी महिलाएं जो हैं फ्रीली घूम रही थी और उन्हें कोई ऐसी असुविधा हमें देखने को नहीं मिली जैसे अमूमन शहरों में देखने को मिलती है, तो ये एक अलग सच्चाई है। दूसरी तरफ आपने बात की जो महिला वोटर्स को यहाँ तक लाने की, तो मैं अभी तक देख रहा था कि काफी सारी संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पर वोट डालने आ रही, और एक ग्रामीण इलाका है आनंद का, और आप जानते हैं कि ये गृह उद्योग के लिए माना जाता है और सहकारी जो उद्योग है उसके लिए जाना जाता है। अमूल ने एक वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई, तो आर्थिक रूप से भी ये काफी सजग इलाका है और छोटे छोटे गृह उद्योग में लोग लगे हुए हैं, और फिर इसके बावजूद भी, क्योंकि वो काफी बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी महिलाएं और पुरुष जो हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में आ रहे हैं, और ये गति लगातार जारी है। 8 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई थी, और ऐसा माना जा रहा है, वुमन लोग भी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे वोटिंग काफी ज्यादा संख्या में होती है, और चुनाव आयोग की जो तैयारियां थी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो काफी सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में सफल रहे हैं, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वोट डालने पर ही निर्णय होगा कि यहाँ की जनता किसको चुन रही है। राजनीतिक जहां तक पृष्ठभूमि की बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए एक गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि 7 में से 5 सीटें उनके पास हैं, और इस बार अगर वो सोचते हैं कि अगर कि वो फिर से यहां पर अपने काबिज हो पाएंगे, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने लेकर के आ गई है, क्योंकि उनका वोट शेयर मान लीजिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी टेंट लगा सकती है, क्योंकि उनकी जो लाइन है और जो उनका कार्डर वोट है वो कम से कम एक ही लाइन पर चल रहा है, और बीजेपी यहाँ पर एक अपने अलग वचन। चंद्रशेखर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ में आप खड़े हैं, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि बात होती है कि जब चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा था हमने तमाम बड़े नेताओं को देखा, जैसा कि हम बीजेपी की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वहां पर नजर आए, ऐसे में जब बात कांग्रेस की हो रही है तो कांग्रेस में राहुल गांधी उतने एक्टिव नजर नहीं आए, तो क्या माना जाए, क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो इस चुनाव में नजर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से उनको जितना एक्टिव होकर काम करना चाहिए था कांग्रेस उतना सजग होकर इस इलेक्शन को नहीं ले रही थी।
देखिए, ये समस्या कांग्रेस के साथ लगभग हर स्टेट के चुनाव में रही है और यहाँ पर भी ये कुछ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के इलेक्शन को हमने कवर किए थे मैंने, तो वहाँ पे मैंने यही सिचुएशन देखी थी और यहाँ भी कमोबेश स्थिति उस प्रकार से मुझे लग रही है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के आला कमान को देखा जाए, या फिर क्योंकि मैंने भी देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत कम जनसभाएं और रैलियां इस इलाके में और इसके आसपास के इलाकों में की हैं, और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, वो एक दो बड़े चेहरे यहाँ पर रहे जो आसपास के इलाकों तक घूमे हैं। इसके अलावा कांग्रेस उस तरीके से चुनाव में सजग सक्रिय रही हो या उनके बड़े नेता यहाँ पर रहे हों, ये बहुत अमूमन कम देखा गया, और ये शिथिलता जो बड़े नेताओं की है यहाँ पर जो कमी है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और कई बार ये भी एक चीज हो जाती है गौरव की, लगातार से एक पार्टी 27 साल से एक सत्ता में है और लगातार वो जीत रही है, और विधायकों के होने के बावजूद भी कांग्रेस वो समीकरण नहीं बना पा रही है या वो उतनी मार्जिन नहीं ला पा रही है 92 सीट्स का कि वो सत्ता में आ सके, तो इसके अलावा भी एक शिथिलीकरण हो जाता है। लेकिन ये कहना तो गलत होगा कि वो पहले से ही हार मान बैठे हैं, बल्कि ये है कि चुनाव में अपने को किस तरीके से लद्दाख के सामने लेकर के जाना है, किन मुद्दों को उठाना है और किस समय पे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वहां पर अगर देखा जाए तीनों ही पार्टियों को मिलाकर के तो बीजेपी इसमें काफी आगे निकलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में अब चंद्रशेखर, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सत्ता में काबिज बीजेपी है वो डर गई है, इसलिए वो लगातार रोड शो कर रही है, उन्हें चैन ही नहीं है। तो इस पर एक प्रतिक्रिया हम अभिषेक से ले लेते हैं। अभिषेक, लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये आज की राजनीति है, और ये बार बार कांग्रेस का कहना कि भाई भाजपा डर गई है, इसलिए लगातार उन्होंने चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री को भी उतारा और जिस तरह से रोड शो का जिक्र वो कर रहे हैं, ये अंदर की खींच तो नहीं है, क्योंकि आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो खींच उतार दीजिए दूसरे पर। बिल्कुल आचल, देखिए जब यहाँ के लोगों से भी हमने ये सवाल पूछा था तो उनका सिंपल यही कहना है कि भाई जो काम करेगा वही तो अपने काम के बारे में बात करेगा, जिसने काम ही नहीं किया वो अपनी बात क्या रखेगा, वो तो दूसरों के पीछे उसकी बुराई ही करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो भाजपा के रोड शो की बात करें, भाजपा के काम की बात करें, भाजपा ने जितनी चुनावी रैलियां की तो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की कि लोगों तक ये बात पहुंचाई कि पहले और अब में क्या परिवर्तन है। भाजपा की तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हो, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक है, उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया, उन लोगों से जुड़े वो, और लगातार 5 सालों के अंदर भी अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी रैलियों में वो जुड़े, इसके पहले भी या तमाम जो बड़े नेता है, भाजपा के तमाम बड़े मंत्री है, उनका यहाँ पर प्रवास लगातार रहा और जगह जगह पर जो विकास की परियोजनाएं है उनमें रही, लेकिन कांग्रेस के अंदर इन चीजों को लेकर के रहा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खुद एक पार्टी के अंदर ही काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, और न सिर्फ गुजरात के अंदर पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं उनको यह लग रहा है कि जिस तरीके से पीपल से कनेक्ट हो रही है, लोगों से कनेक्ट हो रही है भाजपा, और 27 सालों से यहां पर लगातार बरकरार है सत्ता में, तो इस बार भी कहीं वो फिर से सरकार में ना आ जाए, वो परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं। अगर इसके पीछे का एक रीजन भी नजर आता है और वो नजर आता है गुजरात का वो मॉडल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी छाप बनाता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पूरे गुजरात के मॉडल को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, पानी के लिहाज से बात कर ली जाए, जब पानी की जिस तरह से कमी थी और जो टैंकर माफिया थे उसको हटाने के लिए बीजेपी ने बड़ा काम किया, बड़ा जोर लगाया, और आज लोगों के घर तक, उनके नल तक वो पानी पहुंच पाया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है गुजरात की दृष्टि से देखें। और वहां के लोगों का जब मन टटोलने की भी कोशिश की गई थी तो ग्राउंड से यही सब निकल कर सामने आया था। ऐसे में कांग्रेस की बात जब करते हैं तो कांग्रेस के पास, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब कांग्रेस सत्ता में, वहां पर नजर नहीं आई। अब वो तमाम हर जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, जब ऐसे चुनाव आते हैं तो कांग्रेस ताल तो ठोकती है, चुनावी मुद्दे भी दिखाती है, लेकिन जब पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है वही वहां से नदारद नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या इस बात को लेकर कांग्रेस सीरियस नहीं है? बिल्कुल गौरव, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर जिन मुद्दों की आपने बात की कि किस तरीके से पानी की, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के टैंकर। गुजरात में एक समय वो भी देखा जब यहाँ पर ट्रेन से भर के टैंकर से यहाँ पानियाँ लाई जाती थी,
और आज जो है पूरे गुजरात के अंदर जो है नर्मदा वाटर जो है वो पूरे गुजरात के अंदर जा रहा है, सौराष्ट्र के अंदर जा रहा है, आप मध्य गुजरात दक्षिण गुजरात के अंदर देख सकते हैं, कृष्णा सागर प्रोजेक्ट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है पीने की का स्वच्छ पानी उन तक मिले, इन तक की व्यवस्था की गई। जिन जगहों पर लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे आज लाखों हेक्टेयर में जो है उस पानी से सिंचाई का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चाहे हम जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जो ग्रामीण इलाके हैं गुजरात की, आप चाहे बनासकांठा की बात करें, हम साबरकांठा की बात करें, महीसागर की बात करें, पाटन की बात करें, इन सभी इलाकों में डेयरी उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है खेती बाड़ी के अलावा जो वहाँ की महिलाएँ हों वो सशक्त हो सके। और आज पूरे विश्व के अंदर गुजरात जो है उसको डेयरी उत्पादन के लिए जाना जाता है कि और सबसे ज्यादा उत्पादन भी जो है वो गुजरात से ही किया जाता है। अमूल श्वेत क्रांति के लिए अमूल की भी शुरुआत जो है वो गुजरात से हुई थी, और उसके बाद आप बनास डेयरी की अगर हम बात करें तो पूरे बनासकांठा का उसे आप लाइफलाइन कह सकते हैं, लाखों महिलाएं जुड़ी हुई है, लाखों परिवारों की आजीविका जो है वो उससे चल रही है। इसी गुजरात की हम बात करते हैं जहां पर दशकों पहले एक साइकिल बनाने का कारखाना नहीं होता था, आज यहां पर आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, उस प्रोजेक्ट को का जो है 30% काम पूरा किया जा चुका है, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जो है पार्ट्स का वो ये हब बन चुका है। आप कपड़े का कारोबार से लेकर के आप डायमंड के कारोबार तक चले जाए उसके लिए गुजरात को जाना जाता है। तो क्या बदलाव आया है गुजरात के अंदर ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बदलाव सुनिश्चित किया गया है, और ये बदलावों की जो आप बात कर रहे हैं इसी पर एक टेक हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं आनंद से, चंद्रशेखर, ये जो बदलाव है, ये जो विकास का मॉडल है, इसको दरकिनार करके फिर जो मधुसूदन मिस्त्री हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे भाई हम सरकार बनाएंगे, नहीं बना पाए तो आप पार्टी से मदद ले लेंगे, और विक्टिम कार्ड खेलते हैं प्रधानमंत्री, बयानबाजी में कितना सच। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि काम बोलता है, ये कह रही है गुजरात की जनता। अचल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बहुत देर से एक बुजुर्ग हैं वो मतदाता, बिल्कुल मतदाता, आज का राजा मतदाता है। बिल्कुल पहले मतदाता की बात सुनते हैं। आपने वोट डाला? आपने? हाँ डाल दिया हमने। तो वोट दिखा दीजिए। तो कितनी सुबह से आपको इंतजार था इस दिन? मैंने सुबह 8 बजे वोट डाल दिया, सुबह 8 बजे। तो किन मुद्दों के हिसाब से आपने वोट डाला है? सलामती और सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे हमने वोट डाला है। आपने वोट डाला है? हाँ वोट दिया। तो क्या मुद्दा रहा आपका? हम तो मेरे मोदी साहब को वोट दिया है। वो आपने आपकी इच्छा है, आपने किसको वोट दिया है, लेकिन ये देखिए जोश, ये मतदाताओं का जोश है कि वो किसको वोट दे रहे हैं, वो उनका अपना निजी अधिकार है, लेकिन हाँ ये जो जोश है जनता में और मतदाताओं में वो अपने देखने लायक है। हालांकि आपने राजनीति की बात की, आचल मैं आपको बताऊं कि दोनों ही पार्टियों के बीच में अगर देखें जुबानी जंग है जो लगातार चल रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री जब मंच से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस की जब रिज्यूम रहा था और उस दौरान पे आप देखिए कि नर्मदा के पानी को लेकर के आने के लिए जो उनका कहना है प्रधानमंत्री का, वो कहते हैं कि जब नर्मदा के जल को लाना था गुजरात में जब उनको जरूरत थी तो उस योजनाओं को उन्होंने काफी समय तक रोक के रखा ये, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कहती है कि जो सिंचाई के जो जो साधन है या सिंचाई की सुविधाएं अब तक लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर हम जब फील्ड में हम दौरा करते हैं हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो कि पहले सूखाग्रस्त माने जाते थे लेकिन अब वहां पर सिंचाई की योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो सोनी योजना हो या फिर ड्रिप इरिगेशन की तकनीक हो, किसानों से हमने काफी सारी बातें की हैं जब हम फील्ड में उतरे हैं। तो ये एक जुबानी जंग है, ये चुनावी पैतरेबाजी भी अब कही जा सकती है, और लगातार चुनाव में आप देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें होती हैं कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पे और बड़े नेताओं पर खासतौर पर जुबानी जंग होती हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम चुनाव में कड़वे बोल भी बोले जाते हैं और कुछ चीजें प्रधानमंत्री के बारे में बोली भी गई। चलिए नहीं चंद्रशेखर आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था आचल कि ये जमानी जंग है जो लगातार चलते रहते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी भी कई ऐसे वादे कर रही हैं जो कि अब देखिए यहाँ पे भी मैंने काफी सारी चीजें देखी हैं कि कुछ एक नेता हैं जो कि मैंने देखा कि हिम्मतनगर सीट से खड़े हुए थे, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के कि हमारी कई सारी ऐसी नीतियां हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस ने छीन लिए हैं हमसे।
तो अब दोनों ही पार्टियों की, वैसे कि मैंने कहा कि दोनों का सेम जनाधार देखने को मिल रहा है और दोनों ही आपस में फाइट कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे आपने चुरा लिए, तो अब ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक पार्टी जो काफी समय से है और दूसरी पार्टी जो नए पहली बार यहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई चल रही है कि आप चुनाव के जो मुद्दे हैं वो उन्होंने चुरा लिए हैं, और दूसरी तरफ अब फिर ये दोनों ही पार्टियां मिलकर के बीजेपी आपको रोकना चाहूंगी चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री का कारकेड काफिला यहां पर मौजूद, गुजरात के दूसरे चरण का मतदान जारी और प्रधानमंत्री वोट करने के लिए साबरमती अहमदाबाद में निशान पब्लिक स्कूल रानिप का जिला जहां पर वो अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था और ट्वीट के माध्यम से लोगों से अपील भी की थी कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें, और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रधानमंत्री की खुद भागीदारी नजर आ रही है, चुनाव प्रचार उन्होंने जोर शोर से किया और अब वो जाते हुए, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद अब कुछ ही देर में वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग किस तरह से सड़क के किनारे लोग उनकी एक छवि देखने के लिए उनका ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो साबरमती विधानसभा सीट से प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं और ये आप भीड़ देखिए सुबह से मौजूद है, ये भीड़ सुबह से मौजूद है, ये लोगों का प्यार सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की, जिस तरह से अब देखिए प्रधानमंत्री खुद काफिले से उतर गए हैं और यहां से लोगों का प्यार अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये सरल स्वाभाविक सहज जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, हमेशा से वो कहते हैं कि प्रधान सेवक हूं मैं, और यही उनके व्यक्तित्व में झलकता हुआ, ये जो भीड़ है ये वो प्यार है जिससे वो हमेशा से कहते हैं कि मैं अभिभूत रहता हूं, और खुद काफिले से उतरकर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की गौरव कि कैसे वो ये अभिवादन ये प्यार वो स्वीकार कर रहे हैं, हमेशा से देखा गया है, और ये उनका गृह राज्य भी है, ऐसे में समूचे राष्ट्र से तो वो प्यार करते ही है, लेकिन गुजरात के लिए जो लगाव है जो एक लगाव नजर आता है, आप देखिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पैदल चलते हुए अपनी गाड़ी से उतर गए और उसके बाद अब से कुछ ही देर में यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए और सुबह से मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लोग भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था और उसके बाद अब जब वो खुद यहां पर अपने काफिले से जाते हुए और उसके बाद फिर गाड़ी से उतर गए और उतरने के बाद अब पैदल चलते हुए लोगों से किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी वानगी साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अपने दर्शकों को बताएं 10 दिन 25 जिले 4 रोड शो और करीबन 32 रैलियां जो प्रधानमंत्री ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और आज वोटिंग करने के लिए मौजूद है। अहमदाबाद के रानिप का ये जिला है, निशान पब्लिक स्कूल का 177 नंबर वो बूथ है जहां पर प्रधानमंत्री वोटिंग करने के लिए पहुंचे, और देखिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वोटिंग प्रक्रिया कहां, सीएम से पीएम बनने तक का उनका सफर रहा है, और सबसे अहम बात है आम लोगों की तरह जैसे उन्होंने अपील की और ये जानकारी दी, जिस तरह का जिक्र गौरव भी कर रहे हैं कि 9 बजे मैं वोटिंग करने जाऊंगा और वो पहुंच गए हैं, और ये जो मतदान है ये अपने आप में अहम है क्योंकि पब्लिक सब जानती है, वो खुद देख रही है और पब्लिक क्या मौजूद है ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री आए हैं। दिलचस्प बात यही है कि सीएम से पीएम तक का सफर गुजरात की इसी जमीन से तय किया है, इसी जमीन से तय किया है और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। अब ये आज पीएम भी है लेकिन उसी तरह का उत्साह आज भी नजर आता है, समूचे राष्ट्र से तो वो प्यार करते ही हैं लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से जब लोगों को अपने बीच लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो किस तरह से उनके स्वागत सत्कार के लिए पहले से मौजूद रहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमीनी स्तर पर उतरकर किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। गुजरात की बहुत अहम व्यावसायिक राजधानी है अहमदाबाद, सीएम के रूप में प्रत्याशी के रूप में भी अहमदाबाद की जो गाठ लोडिया सीट है वहाँ से भूपेंद्र पटेल खड़े हुए हैं, कुछ ही देर पहले उन्होंने वोट डाला और देख सकते हैं हम यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री, और ये एक उनके व्यक्तित्व को हमेशा अलहदा बनाता है तमाम नेताओं से जब वो जनता के साथ संपर्क साधते हैं संवाद करते हैं, हमने ये चुनावी रैलियों में भी देखा यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, और यही उनके व्यक्तित्व का जो गुण है वो उन्हें
बहुत अलग बनाता है तमाम नेताओं से, और यही हमने देखा कि कैसे उन्होंने जनता से अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन का जवाब देते हुए अब वो पहुंच गए हैं निशान स्कूल में बने बूथ पर, जहां पर वो वोट देंगे। चुनाव कर्मी यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो जनता है वो उन्हें प्यार से देखने के लिए, झलक पाने के लिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर वोट डालने आएंगे, वो मौजूद हैं। साबरमती विधानसभा सीट पर प्रधानमंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस पोलिंग बूथ की कि किस तरह से प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी अंदर जाते हुए और अब से कुछ ही देर में बस और लाइन में देखिए ये लोकतंत्र की शक्ति है, उसकी ताकत है कि प्रधानमंत्री आम जनता की तरह लाइन में लगकर वोट डालने की इस प्रक्रिया, इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि तभी तो हम सवाल कर पाएंगे भाई अपने सांसद से कि भी हमने वोट डाला है, और तभी प्रधानमंत्री भी सवाल करके पूछेंगे भाई आपने काम क्यों नहीं किया। तो अहम तभी है जब हम वोट डालने पहुंचते हैं। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में अब वोट डालेंगे। आम जनता की तरह ये वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री और निशान पब्लिक स्कूल में ये बूथ बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री आम जनता के साथ, देखिए ये आम जनता जो आगे खड़ी है उनके साथ वो वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन में लगकर प्रधानमंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आते ही फिर वो अब दाखिल होते हुए इस कक्ष में और उसके बाद जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमेशा से देखा गया है क्योंकि जिस तरह की उनकी नीतियां रही हैं, उनकी नीयत रही है हमेशा से प्रोटोकॉल का, वो खासतौर पर बहुत ध्यान रखते हैं और ऐसे में इसी के जरिए लोकतंत्र के महापर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए कुछ ही मिनटों में वो अपना वोट डालेंगे और यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तैयारियां इसको लेकर नजर भी आ रही हैं और ऐसे में जो तमाम हमने चुनाव प्रचार देखे जिसमें पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र हित में और राज्य हित में लगातार काम करते रहे हैं। विकास के मॉडल को गुजरात में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, जिस तरह की दिक्कतें वहां पर गुजरात में थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए विकास में कितना योगदान उसका रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाए, किसानों तक कैसे और सुविधाएं पहुंचाई जाए, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण उनका और ज्यादा किया जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए और वही प्रयास सफल होते भी गुजरात में नजर आए। इसीलिए 20 सालों से भी ज्यादा गुजरात में यहां पर बीजेपी की सत्ता में हमेशा बीजेपी काबिज रही और ऐसे में हम अगर बात करें तो अब ये दूसरे चरण का जो मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए और अब से कुछ ही मिनट में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद गुजरात में 8 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। तो ऐसे में तमाम ताकतें जो यहां पर सियासी दलों की देखने को मिली थी उसमें बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया क्योंकि गुजरात के मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बिल्कुल, तो आम जन से जन जन तक पहुंचने की प्रधानमंत्री का जो ये सफर है वो हम देख पा रहे। देखिए उनसे पहले एक मतदाता गई, उन्होंने वहां पर वोट किया और ये प्रोटोकॉल का पालन करते प्रधानमंत्री इस वक्त का ये सबसे अहम और खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की शक्ति कि प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया है अहमदाबाद में साबरमती इस विधानसभा सीट से। और ये देखिए प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया और आज के पूरे दिन की सबसे अहम लोकतांत्रिक शक्ति के परिचायक के रूप में ये सबसे बड़ी तस्वीर जब वो निशान पब्लिक स्कूल पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया, आम जन की तरह लाइन में लगकर किसी को भी परेशानी ना हो, ये जो वीवीआईपी कल्चर है इसको खत्म किया है प्रधानमंत्री ने, चाहे वो रोड शो के माध्यम से हम देखें, चुनावी रैलियों के माध्यम से देखें और वोटिंग प्रक्रिया को भी सुलभ बनाने के लिए आप देखें उन्होंने वोट डाला, शांति से वोट डालकर अब वो बाहर निकले हैं और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी वजह से खलल ना पड़े इसलिए प्रधानमंत्री ने शांति से जाकर वहां वोट डाला, अब वो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए। अभिभूत हैं जनता के प्यार से और लगातार हमने देखा कि जब पहला चरण था तब भी और दूसरा चरण भी हमने देखा है, पहले चरण में भी अपील किया था प्रधानमंत्री ने और दूसरे चरण में भी प्रधानमंत्री ने अपील की ट्वीट द्वारा कि आप अपने घरों से निकलें और घर से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। देखिए प्रधानमंत्री अपनी उंगली के उस निशान को बताते हुए जताते हुए कि मैंने अपना वोट डाला है
और आज का दिन काफी है, आप भी अपना वोट जरूर डालिए। ये संदेश बिल्कुल साफ स्पष्ट सटीक कि वोटिंग करने का अधिकार मतदाता का है और तभी सवाल करने का अधिकार भी तभी उसका है। इसीलिए वो लगातार इस निशान के साथ लोगों के बीच जाते हुए और बताते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज से और संदेश देते हुए कि वोटिंग कितनी जरूरी है, एक मतदाता के रूप में आप कितनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। कतार में लगकर प्रधानमंत्री ने मतदान किया, ये सबसे है। बिल्कुल, और इसी पर कुछ लाइनें भी मुझे याद आ रही हैं आंचल की, जब नियत नहीं होती तो नीति नहीं बनती और नीति नहीं बनती तो नियति कभी नहीं बदलती, और नियति किस तरह से यहाँ पर गुजरात में बदलती हुई नजर आ रही है उसकी साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नियत भी है नीति भी है और इसीलिए लगातार गुजरात के जो मॉडल की नियति है, गुजरात के लोगों की जो नियति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। अब ये नियत और नीति ही तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनको सीएम से पीएम तक पहुंचा दिया, और उसके बाद भी इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री जमीन से किस तरह से जुड़े हैं वो इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, और हमेशा वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ और प्रधान सेवक के तौर पर मैंने कार्य किया, और चाहे वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। वो हमेशा से यहाँ के विकास मॉडल की तर्ज पर लोगों को इस बात के बारे में बताते आए हैं कि किस तरह से जो आंचल जैसा तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लोग सड़कों पर तो हैं ही हैं लेकिन जो घर के अंदर भी हैं वो भी बालकनी में आकर प्रधानमंत्री की छवि पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि अपने काम की वजह से, ये खाली एक व्यक्तित्व का असर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है इतने सालों में गुजरात की जनता के लिए, ये वो काम बोल रहा है। ये काम इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिस पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बेधड़क तरीके से महिलाएं सड़कों पर चल सकती हैं, चाहे हम स्कूलिंग की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, कैसे महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया गया, उनमें आत्मविश्वास भरा गया, उसी की बानगी में आप देख पा रहे हैं कि लोग घरों से सड़कों पर हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद। घर के बाहर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, घर के अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए कि जहां पर किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं बच्चे और अपने प्रिय नेता को देखकर किस तरह से लोग उनका स्वागत सत्कार करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये छवि पाने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है। आप भीड़ देखिए आसपास, जिस तरह से घरों में लोग किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर उन्होंने वोट डाला और उसके बाद वोट डालने के बाद भी पैदल चलते हुए लोगों से अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभिवादन उस प्यार उन भावनाओं से वो हमेशा अभिभूत रहते हैं और हमेशा कहते भी हैं, और इसलिए हमने देखा गौरव कि जब ये रोड शोज प्रधानमंत्री, देखिए ये वो भीड़ है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तस्दीक करती है कि ये जो प्यार है, ये जो भावनाओं का सैलाब है या जन सैलाब जो उमड़ा है प्रधानमंत्री के लिए, ये उनके प्रति विश्वास है कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार जो वहाँ की जनता है उनके साथ गाहे बगाहे संपर्क साधते ही रहते हैं। बिल्कुल, तभी तो ये नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर जो नजर भी आ रही है। प्रधानमंत्री, तो हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और वोट कास्ट करने के लिए वो आम जनता की तरह लाइन में लगे, वीवीआई कल्चर को बिल्कुल पीछे धकेलते हुए आम जनता से संवाद भी किया, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित करने के बाद लोगों को बाहर आके संदेश भी दिया भाई कि मैंने वोट किया है, और ये गुजरात की जनता के लिए बहुत अहम संदेश है। अगर अभी भी घरों में बैठे हैं युवा या लोग जो वोट करने नहीं निकले हैं, चाय पी लीजिए, खाखड़ा फाफड़ा खा लीजिए, लेकिन वोट करने ज़रूर जाइए, क्योंकि ये जो सर जो लोग आपके लिए काम करेंगे जब विधानसभा का चुनाव जीत कराएंगे वो आप ही की बेहतरी के लिए करेंगे। क्यों गौरव? बिल्कुल, और इसी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कारगर रहे हैं। राष्ट्रहित की बात हो चाहे राज्यों की बात हो, तमाम जो चुनाव होते हैं उसमें हमने देखा है कि सबसे अग्रिम भूमिका अगर किसी की रहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। एक जुड़ाव रहता है
पीपल टू पीपल कनेक्ट किए जो उनकी बात है वो कहीं ना कहीं उनको और ऊपर पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमने अभी आपको जो तस्वीरें दिखाई वो सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोग से कैसे उनसे कनेक्ट किया जा रहा था वो वहां पर दिखा रहे थे, और उसी की वानगी ये तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे थे। गुजरात में बहुत कुछ चल रहा है, गुजरात में बहुत कुछ हलचल हो रही है इस वक्त। गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव लगातार जारी है, और ऐसे में मतदाताओं ने किन मुद्दों के आधार पर मतदान किया है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ये जागरूकता का कारण है, सबसे पहले हम वोट करेंगे तो पीछे वाले लोग भी उठेंगे, देखो वो उन्होंने तो वोट कर दिया, हम पीछे हैं, जाके करना चाहिए। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वोटिंग करने के लिए आलस करते हैं, ऐसे नहीं जाना चाहिए, वोट करने से क्या है, हम एक वोट नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक को देख के दूसरा भी उत्साहित होगा ना। पहले ऐसे अनपढ़ लोग होते थे, उनको पता भी नहीं होता था वोट किसको करना चाहिए, अब लोग पढ़े लिखे उन सबको पता है कि वोट किसको करना है कैसे करना है। मेरे मन में बहुत उत्साह है वोट करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली सरकारें देश के लिए और जनता के लिए कुछ करें, बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर आपको मौका मिलता है तो ये देश की राजनीति में और आपके देश के ब्यूरोक्रेसी में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो वोट तो देना ही चाहिए। एक्साइटमेंट था कल रात से कि सब पहले जाके मेरा वोट दे दूँ, और लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, हमारा एक वोट देश की दिशा और दशा नक्की करता। राष्ट्र में जो सरकार चाहिए वो आपको स्थानीय सरकार बनानी पड़ेगी, स्थानीय नगर निगम में भी बनाना पड़ेगा, स्थानीय इकाई में भी बनानी पड़ेगी, राज्य में भी बनानी पड़ेगी और राष्ट्र में भी बनानी, तभी सभी जगह संकलित होकर ही विकास हो सकता है। तो अगर विकास के लिए आप वोट करने जा रहे हैं तो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कीजिए, वोट करने जरूर जाइए। और इस महा कवरेज में लगातार हम अपने जो संवाददाता हैं और तमाम चुनावी पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज की इस खास कवरेज जनादेश के साथ। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉनस्टॉप, इसलिए मेरी मानो आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी, आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। Hey girls! Hi, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी, RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनादेश में आज हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल हो रही है गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की अपडेट वहां से हमारे लिए लगातार पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ जा रहे थे और जब लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए वहां पर खड़े थे तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर पैदल ही उन्होंने मतदान केंद्र का रास्ता जो है वो तय किया और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, वो तस्वीरें कहती हैं कि किस तरह से जो जनता है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट हैं और किस तरह से जो उनकी समस्याएं हैं वो जानने की हमेशा प्रधानमंत्री की मंशा रही है, और उसी मंशा की वो जो नीयत प्रधानमंत्री की रही है जिससे उन्होंने नीतियां बनाई और गुजरात मॉडल को एक अलग लेवल तक पहुंचाया, ये प्रधानमंत्री मोदी के उस नेतृत्व को दर्शाता है कि किस तरह की कारगर प्रणाली वो अपनाते हैं जिससे विकास का जो मॉडल है गुजरात का वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छा जाता है। बिल्कुल, और अहम बात यहाँ पर ये रही कि कैसे उन्होंने जब वोट डाला, वोट डालने के बाद भी आकर लोगों को संदेश दिया। लेकिन एक बार रुक करते हैं आंकड़ों का, तो 2019 के चुनावी परिणाम जो लोकसभा के थे उस पर नजर डालते हैं। भाजपा ने जो 26 सीटें उस पर जीत दर्ज की, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, ना ही निर्दलियों का खाता खुला। साथ ही साथ रुक करें अगर हम जिस तरह से जो मत प्रतिशत रहा चुनावी परिणाम का 2019 के लोकसभा का, वो मत प्रतिशत भाजपा के लिए 63% से ज़्यादा, कांग्रेस के लिए 32% से ज़्यादा और निर्दलीय के लिए 2% के आसपास रहा। ये चुनावी परिणामों का जो परसेंटेज है 2019 के लोकसभा चुनाव का वो हम आपको बता रहे हैं।
वहीं कुल मत प्रतिशत अगर हम देखें तो 64% से ज्यादा रहा, जो गुजरात लोकसभा चुनाव का रहा है, यानी कि 64% से ज्यादा जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया लोकसभा चुनावों में। जो गुजरात की जनता थी उन्होंने किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया ये हमने आपको बताया। तो ये लोकसभा चुनावों के जो नतीजे होते हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 2017 में हुए थे विधानसभा चुनाव, फिर हुए लोकसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं कि कैसे जो जनता है वो पार्टी पर विश्वास, चाहे हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर या लोकसभा के लिए, तो पार्टी पर विश्वास जताती है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ चलेंगे। और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें, पहले आपको बताइए, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने आम जन की तरह कतार में लगकर अपना, देखिए पहचान पत्र उनके पास है, वोटिंग पहचान पत्र, उसका इस्तेमाल कर उन्होंने कतार में लगकर अपनी बारी का आराम से इंतजार करते हुए इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया, सुनिश्चित की अपनी भागीदारी एक आम जनता के तौर पर कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमसे भी यही तरीके की एक्सपेक्टेशन लगातार प्रधानमंत्री कहले, गृहमंत्री जिन्होंने अपील करी है, हम भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका जिक्र मैं करूं, सभी ने ये कहा कि आप लोग अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए। और ये प्रधानमंत्री अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जिस उंगली पर निशान लगा, हमने देखा कि जब उन्होंने वोट कास्ट किया उसी उंगली को दिखाते हुए उन्होंने आम जनता को बताया कि अगर आप अभी भी घर में बैठे हैं तो प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। तो साबरमती विधानसभा सीट पर प्रधानमंत्री ने वोट किया, अहमदाबाद जिले में आती है साबरमती सीट, व्यावसायिक इलाका, व्यावसायिक हम कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र है गुजरात का अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने भर के लिए लोग यहां पर अपने घरों में, अपनी बालकनी में, सड़क के किनारे नजर आए। हमारे अब सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम जिस तरह से प्रधानमंत्री के जब नेतृत्व की बात तो करते हैं और साथ ही साथ जब उनके चरित्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों से उनका कनेक्ट है वो बहुत गहरा नजर आता है। लोग, हम देख रहे थे तस्वीरों के जरिए कि लोग सड़क के किनारे अपने घरों की बालकनी में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बस वहां पर खड़े हुए थे और वो नजारा अद्भुत था, अकल्पनीय था, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपने काफिले से गाड़ी से उतरे और उसके बाद पदयात्रा करते हुए ही वो उस पोलिंग बूथ तक गए जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में एक जुड़ाव नजर आता है प्रधानमंत्री का, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे किसी भी लोग उनसे जो कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये नजरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से रहा है, जिसने गुजरात के मॉडल को डेवलप करने में और लोगों की भागीदारी और ज्यादा आगे बढ़ाने में, युवाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आया है। हम अगर इस पूरे 27 साल के उनके करियर को देखें तो बिल्कुल गौरव, अगर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वोट डाला, तीन मैसेज इसके बहुत स्पष्ट हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के वोट डाला, और वोट डालना मतलब कि पूरे गुजरात की जनता को ये एक तरीके से अपील है कि वो भी घर से निकलें। पहले चरण में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा, उसको प्रधानमंत्री का इसे एक अपील कह सकते हैं कि मैं भी वोट डालने आ रहा हूँ, सुबह का वक्त है, 9 बजे का वक्त है, मैं आ रहा हूँ, वोट डाल रहा हूँ। और ये आप लोग भी, चाहे जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो घर से बाहर निकले और आकर के वोट डाले, ये एक सबसे बड़ा मैसेज था। दूसरा प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री ने जो वोट डाला उसका दूसरा सबसे बड़ा मैसेज ये था कि जब वो कतार में पंक्ति में खड़े होकर के वहाँ पर जब वो वोट डालने गए, जिस तरीके से उन्होंने कुछ सालों के पहले बात की थी वीआईपी कल्चर खत्म करने की, लाल बत्ती प्रथा को खत्म करने की, देश के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेसी हो राजनीतिक तौर पर देखा जाता था कि एक वीआईपी कल्चर चलता था, उसको उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने उनके इस वोट कतार में खड़े होने के डालने के बाद ये स्पष्ट तौर पर नजर आया कि प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर के कितने खिलाफ है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो पंक्ति में खड़े होकर वोट कर रहे हैं। और तीसरा जो मैसेज है, जो कि सबसे बड़ा एक और मैसेज है, मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली से गुजरात पहुंचते हैं, अहमदाबाद आते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें आज वोट डालना है, आज सुबह सुबह वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि गुजरात के लिए उनकी क्या सोच है वो इस चीज़ को दर्शाती है। पूरे गुजरात के अंदर बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री उनकी क्या सोच रही है, उनका क्या विजन रहा है, उन्होंने क्या जमीनी स्तर पे यहाँ के लोगों के लिए वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से उनको और सुविधाएं दी जाए, ये एक तीसरा बहुत बड़ा मैसेज है। और खास तौर पर ये हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की बात करते के साथ आप कहीं भी जिक्र करें पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, तो एक ही नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने किस तरीके से गुजरात की जो तस्वीर है उसको बदली है। एक आप 30 साल पहले का गुजरात ले लीजिए और आज का गुजरात ले लीजिए, मानचित्र पे भी देखेंगे, सैटेलाइट इमेज भी देखेंगे, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, कि जिस तरीके से उन्होंने आज आकर वोटिंग की और एक मैसेज दिया खास तौर पे मतदाताओं को कि वो भी घर से निकले। बिल्कुल, ये एक दूरदर्शी विजन है जो हमने देखा। हमारे साथ आनंद से चंद्रशेखर भी मौजूद है। चंद्रशेखर, हम कई तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स का जिक्र किया, हमने जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सशक्त तस्वीर वोट डालते हुए कितनी ज़्यादा असरदार तमाम उस जनता के लिए जो अभी तक वोट डालने नहीं निकली है, और साथ ही साथ जो उनका एक अंदाज है कि आम जनता की तरह वो गए, उन्होंने अपने वोट को डाला कतार में लगकर। देखिए आंचल, इसमें आप ये देखिए कि एक घर का मुखिया हो या संस्थान का मुखिया हो, किसी पार्टी का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, जो जो नेतृत्व है उसमें अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसका अपना एक एक संदेश देने की भावना होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उसको, उसके फॉलोवर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं जो उसी तरीके से वो फॉलो करेंगे चीज़ों को। और प्रधानमंत्री इस चीज़ को काफ़ी अहमियत देते हैं और वो अपने छोटे छोटे ऐसे जो काम हैं जो कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, जैसे कि वैपी कल्चर की जो बात है उसको उन्होंने यहाँ ख़त्म करने की कोशिश की है, और लगातार वो अपने छोटी छोटी चीज़ों से या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि लगातार जनता जो है जिनको करना चाहिए, लेकिन हम लोग आम जीवन में उन चीज़ों को करते नहीं हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को हम करते हुए देखते हैं तो हमें एक अनुभव होता है कि ये चीज़ें हमसे लैक हो रही हैं और हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने जब जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि कतार में लगकर वो अपने वोटिंग का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो लोगों के अंदर भी एक जनभावना होती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोगों से उनका जुड़ाव, उनकी कनेक्टिविटी कम हो गई है, बल्कि वो उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के जैसे हैं, और उनमें घुल मिलना उनकी एक कैरेक्टर है, उनका एक स्वभाव है, और एक जो जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है और जो एक खाटी नेता होता है, उनकी खासियत ही यही है। आप देखिए जितने भी बड़े नेता हमारे इस देश में हुए हैं उन सबका एक चरित्र रहा है कि वो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहे, और यही चीज प्रधानमंत्री भी देखने को मिलती है कि हर चीजों से लोगों को संदेश देने का प्रयास करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनका जो अंदाजे बयां है कि भाई मैं आप जैसा ही हूँ, इसीलिए हमने देखा जो जनता वहाँ पर मौजूद है, मैं कई जगह सुन पा रही हूँ, वहाँ पे उनसे पूछा गया कि भाई किसने बुलाया, उन्होंने बोला किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद से आए, हम जाना चाहते थे, हम प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। ये जो वाक्य हैं, ये जो वक्तव्य हैं, ये अपने आप इशारा करते हैं कि कितना अहम है अपनी जनता से, भले ही अगर अब आप प्रधानमंत्री बन गए, संवाद रखना, और यही संवाद की प्रक्रिया को आगे आने वाले सालों में जो तमाम विधानसभा के हमने यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार देखे, हमने इसको देखा। प्रधानमंत्री ने लगातार अपने मंच से, चाहे वो कोई मंच रहा हो, लोगों से लगातार कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक अपनी जगह है, उसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन यहाँ मैं जो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों का से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों से निकला एक व्यक्ति हूँ, और उन्होंने लगातार लोगों से कहा भी कि मतदाताओं से भी कहा और तमाम लोगों से कहा कि वो जाकर के घर घर जाकर के बड़ों को, बुजुर्गों को, मतदाताओं को, सभी को उनका प्रणाम कहें। तो ये एक कनेक्टिविटी दिखाता है, ये अपनापन दिखाता है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आप चीज़ों को भूले नहीं हैं, वो लोगों के साथ जाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जब स्वच्छ भारत मिशन की जब बात आई थी, क्योंकि वो एक कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो एक जन अभियान था,
तो एक जननायक की एक भूमिका जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने निभाई थी वो एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें लोगों से जुड़ना था, लोगों की भावनाएं थी, महिलाओं की जितनी दिक्कतें उसमें उस दौरान हुआ करती थी शौच के लिए, तो ये एक ऐसी सोच थी जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उन्होंने खुद भी कहा कि जब वो प्रधानमंत्री होते हुए जब ये स्वच्छ भारत की बात करते थे तो लोगों को लगता था कि यार ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं, कि शौचालय बनाने को लेकर के बातें हो रही हैं, रोड की बातें नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें नहीं हो रही है, ये छोटी चीजों की बातें हो रही है। लेकिन हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर 2030 का गोल था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास का जो लक्ष्य था, उसको हमने 2018 में ही 2019 में हमने उसको पा लिया, काफी साल पहले हमने उसको उस चीजों को पाया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि जो चीज देखने में जो छोटी लगती है लेकिन एक बड़ी समस्या थी ग्रामीण इलाकों में चाहे देखी जाए या फिर शहरी इलाकों में देखी जाए, तो ये चीजें प्रधानमंत्री के दिमाग में हमेशा रही है। ये जो हाशिए पर लोग हैं या फिर जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज को उतनी उस तरीके से बुलंद नहीं कर पाते हैं लेकिन उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, उनको उनको उनके स्वावलंबन की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं आनंद में इस वक्त खड़ा हूं और ये एक सहकारी उद्योग को अगर देखा जाए तो उसका एक गढ़ माना जा सकता है जिसने वैश्विक स्तर पर इन चीजों को दुनिया के सामने रखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे जो लोग हैं वो अपना एक संगठन बना करके एक वैश्विक स्तर पर अपने एक ब्रांड बन सकते हैं, अमूल का ब्रांड आप मान सकते हैं या फिर और जो छोटे छोटे गृह उद्योग हैं उनको आप मान सकते हैं। और उसको उस प्रैक्टिस को जब वो सफल हुई और उस प्रैक्टिस को आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए भी एक मंत्रालय को बनाया गया जिसमें जिसका लक्ष्य यही है कि सहकारी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, आम जन को बढ़ावा दिया जा सके, अपने आसपास में ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और छोटी छोटी जो चीजें हैं जो छोटे छोटे उत्पाद हैं उनको एक समग्र रूप से एक ब्रांड के रूप में लोग विकसित कर सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको पूंजी दी जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं जो एक ट्रेड करने को लेकर के उसको दूर किया जा सके। तो आप मान के चलिए कि ये एक छोटी चीज देखने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें बूंद बूंद जो होती है ना वो एक सागर का रूप ले लेती है, तो वो चीजें यहां पर भी अब देखने को मिलती है। तो आनंद इस मामले में काफी आगे है और ये अब पूरे देश को दिखा रहा है कि किस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, सहकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, अपने छोटे छोटे उत्पादों को बढ़ावा। तो हमेशा से जो बात कहते हैं संकल्प से सिद्धि को लेकर वो साफ तौर पर दर्शाती है, जैसा जैसा संकल्प उन्होंने लिया उसको सिद्धि तक उन्होंने पहुंचाया भी, सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखा, फाइलों तक ही सीमित नहीं रखा, धरातल पर भी वो नजर आता है गुजरात के मॉडल में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये साफ तौर पर नजर आता है। चंद्रशेखर आप बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमने संकल्प की बात की जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद उसको सिद्धि तक पहुंचाया, ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की जो बयार है गुजरात में देखने को मिली, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की बात कर लें, हम किसानों की बात कर लें, हम दूध उत्पादन की बात कर लें, हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर लें, तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि इन तमाम क्षेत्रों में जब काम होता है कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर हैं वो भी पैदा होते हैं। युवाओं में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली थी ऐसे में लोगों के पास रोजगार भी है, अपना काम भी है और स्टार्टअप को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाएं चलाई, तमाम बातें कहीं और वो बातें कहीं ना कहीं गुजरात के इस विकसित मॉडल को विकास की ओर और हाईटेक बनाने के लिए अग्रसर नजर आती है। बिल्कुल गौरव, देखिए अगर हम शुरुआत से बात करें बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले जिस गुजरात के एक विकसित गुजरात की जो परिकल्पना की थी उसको सिद्धि तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो जोर दिया वो था गुजरात में कनेक्टिविटी को लेकर के, कनेक्टिविटी यानी सड़क की कनेक्टिविटी को किस तरीके से दुरुस्त किया गया ये आप गुजरात के अंदर से देख सकते हैं। पिछले दो दशकों से यहाँ पे जो सड़कों का जाल बिछाया गया, सड़कों का जो चौड़ीकरण किया गया, नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो उनका किस तरीके से विस्तार किया गया ये सबसे पहली उनकी जो रही उनकी परियोजनाओं में उसको उन्होंने सिद्धि तक पहुँचाया। दूसरा रेल कनेक्टिविटी, जो रेल कनेक्टिविटी बहुत पुराने समय से था उनका विस्तार किया गया, उन रेल कनेक्टिविटी को मॉडर्नाइज किया गया, जो कनेक्टिविटी थी लोगों तक सुविधा गुजरात में के अंदर आज जो है जो रेलवे स्टेशन है विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, ज्यादातर रेलवे स्टेशन
वो जो अधिक से अधिक रेलगाड़ियों को लेकर के, तीसरा उन्होंने जो यहाँ पर गुजरात के अंदर देश के अंदर सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट्स है वो गुजरात के अंदर है, तो कनेक्टिविटी ताकि यहाँ पर विकास को जो है फ्लो मिल सके उसके लिए कनेक्टिविटी पे सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी कनेक्टिविटी को दी। और चौथा जो सबसे पुराना हमारा जो कनेक्टिविटी का साधन था यानी कि जल मार्ग, गुजरात चूंकि समुद्र के किनारे से लगता है उसमें उन्होंने चाहे पोरबंदर की बात करें, हम सोमनाथ की बात करें, भावनगर की बात करें, जो भी कोस्टल एरियाज है, आप कांडला पोर्ट को देखिए, इस तरीके जो पोर्ट है उनको विकसित किया गया ताकि यहाँ से जो व्यवसायिक गतिविधि हो उसको जो है गति मिल सके। और इसी गति ने गुजरात को काफी कनेक्टिविटी ने गुजरात को, प्रधानमंत्री के इस विजन ने गुजरात को काफी आगे बढ़ाया। आंचल बिल्कुल आगे बढ़ाया है, तभी हम देख पा रहे हैं कि जनता कितने प्यार से आज भी मौजूद है प्रधानमंत्री के लिए। तो एक अब चार बड़ी बातें हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, फिर ब्रेक पर जाएंगे। पहली बात ये कि जब प्रधानमंत्री वोट डालने की इस प्रक्रिया में आने से पहले कल अपनी माता जी से मिले, फिर आज सुबह लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, फिर उन्होंने मतदान किया और अभी वो अपने भाई के घर पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर में वहाँ से निकलेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये चार बड़ी बातें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, इसमें हम ब्रेक पर नहीं जाएंगे, हम लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे। तो जो चार बड़ी बातें मैंने आपसे कही वो ये थी कि कल किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले माँ से आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने, फिर सुबह जनता का अभिवादन स्वीकार किया, फिर अपने आम जनता की तरह जैसे कि यानी कि अगर मैं या गौरव या कोई भी आम जन वोट डालने की इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है तो वो इसी प्रोटोकॉल से गुजरेगा कि वो अपना पहचान पत्र दिखाएगा, कतार में लगेगा और वोट डालेगा, इसका संदेश उन्होंने दिया। बाहर आकर लोगों का अभिवादन फिर से स्वीकार कर एक सशक्त सटीक संदेश देते हुए कि भाई आप जाइए अपना वोट डालिए। प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, अपने भाई के घर से होकर वो निकल कर काफिले में बैठ चुके हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं, फिर से हाथ से अभिवादन देते हुए वहां की जो जनता है उसको धन्यवाद करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाथों के अभिवादन से अपने भाई के घर से निकले हैं और अब काफिला वापस जाता हुआ। तो ये और लोग अभी भी अपने घरों के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक छवि और देखने को मिल जाए, तो मन नहीं भरता प्रधानमंत्री को देखे बगैर, मन नहीं भरता और लगातार लोग वहां पर बने हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाना, अपने सामने देखना और एक ऐसे सशक्त नेता को जिसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में इस वक्त उनका डंका बज रहा है। बिल्कुल विश्व में ऐसे कि अगर कल को हम भारत से कहीं जाते हैं तो हमें भारत की संस्कृति और ट्रेडिशंस से तो जानते हैं लेकिन वो पूछ लेते हैं अच्छा वही जहाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये कई बार हमने जो NRIs हैं उनसे बात की, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर विदेशों में रहता है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सशक्त और प्रभावी व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का। तो चार अहम बातें जो हमने आपको बताई, सबसे बड़ी बात जो लगातार गौरव मैं देख भी पा रही हूं, कुछ अलग अलग अखबारों की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जब जनता से पूछा कि भाई किस लिए आप यहाँ आए हैं, किसने आपको बुलाया, लगातार कई बार कहा जाता है कि भाई किसी ने बुला के भेज दिया होगा ये है, लेकिन नहीं, वो काम के लिहाज से कैसे प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं इसकी बानगी हम देख रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात और याद आ रही है कि जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा इनका कद है उतना ही सरल इनका चरित्र है और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों से जाहिर भी हो रहा है कि किस तरह से सरल स्वभाव से वो यहाँ पर गए। सरल स्वभाव भी और ये वोटिंग की जब हम तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए हम वोटिंग की तस्वीरों में क्या कोशिश करते हैं क्योंकि ये विजुअल माध्यम है, ये एक विजुअल माध्यम है, ऑडियो माध्यम नहीं है, विजुअली जो तस्वीरें आप पे इम्पैक्ट डालती हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग वोटर्स, कई बार हमने नवविवाहित दंपत्ति को शादी के फेरे लेते पहले से वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेते देखा और प्रधानमंत्री की खुद की अपनी तस्वीर वोट डालते हुए, तो आज की जब हम तस्वीरों के वोट का रंग बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम लोगों ने अपनी आहुति दी, तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीर सबसे टॉप पर क्योंकि ये आपको संदेश दे रही है कि आप लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में सुनिश्चित करें अपनी भागीदारी। और ये प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं और काफिले के वापस जाने तक देखिए कतार, देखिए आप कितनी लंबी कतार है जो मौजूद है, इसमें हर आयु वर्ग का इंसान है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, और ये वो वोटर्स हैं जिनके लिए चुनावी जनसभाओं से तमाम पार्टियों ने कहा है कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन कौन सी पार्टी जनता के उम्मीदों पर खरी उतरेगी वो हम 8 दिसंबर को पता लग पाएगा क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक जब फैसला लेती है तो कैसे आपका जो
वोटिंग परसेंटेज इसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं गौरव, भले ही फर्स्ट फेज में कम रहा, उम्मीद कर रही हैं तमाम पार्टियां कि इस बार भी ज्यादा होगा, खासतौर पे मध्य उत्तर, और वो स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होगा क्योंकि सीटें भी दूसरे चरण में ज्यादा हैं, तो ऐसे में वोट प्रतिशत जो होगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। ये हम 2017 के चुनाव में भी देख चुके हैं, 2022 के चुनाव में अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोग लगातार इनके स्वागत के लिए अभी भी यहां पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए किस तरह से व्याकुल हैं ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपनी गाड़ी से उतरते हुए और अब जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो प्रधानमंत्री का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की जो बात है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए जाहिर है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे थे तब भी गाड़ी से बाहर उतर गए थे लोगों का ये प्यार देखकर, और जाते समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार गाड़ी से उतर चुके हैं और पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो उनका अंदाज है ना गौरव, हमने देखा था वाराणसी में भी वो रोड शो कर रहे थे और गाड़ी में थे, लेकिन लोग अचानक से उनको इतना प्यार करते हैं कि उनको कुछ भेंट भी देना चाहिए, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, लेकिन वो उतरे, उन्होंने वो भेंट स्वीकार भी की। और देखिए शायद हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ कहें, से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है, और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, गुजरात ना मतदारों नो पण हृदय थी खूब खूब आभार मानु छू के एमने आ लोकतंत्र ना उत्सव ने आन बान शान साथे उजव्यो, खूब उत्तम प्रकारे चर्चाओ करी, गुजरात की जनता में नीर क्षीर विवेक छे એ સાંભળે બધાનું, અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે, અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, નમસ્કાર। બહુ અહેમ બાતે પ્રધાનમંત્રીને કહી હૈ, ये प्रधानमंत्री के नाम का शोर, उनके लिए नारे, ये आवाज़, ये प्यार, ये जन सैलाब जो उमड़ा है उनके लिए, उसका
अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री वापस काफिले में बैठते, काफी अहम बातें गौरव उन्होंने कही। शुरुआत में करती हूँ, फिर आप जोड़ेगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में गुजरात के मतदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है, इसके लिए प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद किया। अगर बिल्कुल, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी बधाई दी है, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व को और खूबसूरत बनाया है। तमाम जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, तमाम जो बूथों पर उनका सौंदर्यकरण किया गया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन के यहाँ जमकर तारीफ की है। और मीडिया से जब प्रधानमंत्री मुखातिब हुए तो लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है इसमें जितना लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे उतना ही वोट प्रतिशत बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं जो जन भागीदारी है वो और ज़्यादा सुनिश्चित कर पाएगी, जिससे विकास का जो ढांचा है, विकास का जो मॉडल है, वो और ज्यादा हाईटेक और ज्यादा विकसित होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, हमने देखा प्रधानमंत्री जब उतरे, आंखों में नूर, चेहरे पर मुस्कुराहट, और यही उन्होंने रेसिप्रोकेट किया वहां की जनता के लिए, और साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के मतदाताओं ने जिस उत्साह से भाग लिया, और नागरिकों को अभिनंदन और अभिवादन, धन्यवाद। जिस तरह से गौरव ने बताया इलेक्शन कमीशन ने कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने में, उसे आगे बढ़ाने में जो काम किए हैं, हम जानते हैं कि इस पर कई बूथ पर वेबकास्टिंग है, जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो घर बैठे वोट डाल सकते हैं। युवाओं से लगातार इलेक्शन कमीशन ने अपील की है, सी विजिल ऐप के जरिए भी आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो उस ये जो तमाम कदम उठाए गए, इसकी प्रशंसा की है प्रधानमंत्री ने, और कहा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन बधाई के पात्र है जिस तरह से काम किया गया। अगर मैं समझ पा रही हूँ गौरव, तो गिर सोमनाथ में एक अकेले वोटर के लिए, एक अकेले वोटर के लिए इलेक्शन कमीशन वहां पर बूथ लगाती है कि आप अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ये बात जाहिर भी करती है कि एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है इस जन भागीदारी में। जब हम लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाते हैं तो वहां पर एक वोट भी अपनी छाप, अमित छाप छोड़ सकता है। और जूनागढ़ में जैसे हमने आपको बताया था, जब हमने जनादेश का कार्यक्रम आपको दिखाया था 1 दिसंबर को, जूनागढ़ में पशु बूथ बनाए गए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, तो भाई पशुओं को साथ लेकर वो यहाँ पर आ सके। तो देखिए कि किस तरह से आपके वोट की अहमियत को अगर इलेक्शन कमीशन समझ रहा है, आप भी अपने वोट की अहमियत को समझिए और वोट डालिए। तभी प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ पर कहा कि जिन्होंने वोट डाला है इस जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैं वो बधाई का पात्र है। तो अगर आप घर पर हैं, आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए। इस मंच के माध्यम से हम यही अपील आपको भी करती है। कई सशक्त तस्वीरें आज आप देखेंगे, लेकिन सबसे सशक्त तस्वीर जो हमने अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने आपको संदेश दिया है, जाइए और वोट जरूर कीजिए। और चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी उनको धन्यवाद किया है। तो ऐसे में आप भी अपने घरों से निकलिए, अपने पोलिंग बूथ तक जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट किसी की भी किस्मत बदल सकता है। बहरहाल, जनादेश के अभी के इस अंक में इतना ही, लेकिन हमारी नजर जो है वो ग्राउंड जीरो पर पल पल बनी हुई है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। डीडी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।